हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जितिया पर्व है, तो देखिए आज खाना क्या क्या बना है, तो हम आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ बन रहा है पेप्ची का सब्जी, और मतलब पेप्ची का सब्जी बनेगा, आलू गोभी का सब्जी। सभी लोग पांच तरह का भी सब्जी बनाते हैं, और ये पर्व में पेप्ची और इसमें झिंगुनी जरूरी रहता है। झिंगुनी और गुलावा साग ये बनना जरूरी रहता है। देखिए पेप्ची के सब्जी में ही मम्मी सब डाल दिए हैं, गुलावा साग, झिंगुनी और पेप्ची सब एक ही साथ बन जाएगा। और ये मड़ुआ का रोटी भी सब लोग खाते हैं ये फेस्टिवल में। ये देखिए बचका का भी तैयारी कर लिए हैं, तो यहाँ हम बचका भी छानेंगे। ये बचका है, पोइंग का पत्ता होता है उसी का बनाए हैं, पोइंग का पत्ता और प्याज देकर। तो यहाँ देखिए पचका भी रेडी होने वाला है, और मम्मी थोड़े देर बाद पूजा करने भी जाएगी। तो फिर चले मेरे ब्लॉग में इन तक बने रहिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा, और हम इसी तरह ब्लॉग बनाते रहेंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। यहाँ देखिए मेरा पचका बन के भी रेडी हो गया है। मैं थोड़ा सा ही पचका बनाई हूँ गरम गरम, फिर बाद में और तल देंगे। देखिए मैं बचका बन गया, यहाँ मड़ुआ का लिट्टी बन के रेडी, और सब्जी चटनी, ये आलू गोभी का भी सब्जी, और यहाँ साग भी बन गया है, और करई करऊ होता ना उसी का झोर बना है, चावल। देखिए यहाँ मम्मी पूजा करना स्टार्ट कर दी है जितिया व्रत। यहाँ देखिए हम लोग के यहाँ इस तरह से पूजा होता है, बाहर छत पे सुबह में होता है। पूरे एक दिन निर्जला व्रत करते हैं मम्मी लोग, और सुबह होकर पूजा करते हैं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए और एंजॉय कीजिए, पूजा देखिए। देखिए यहाँ मम्मी व्रत तोड़ रही है, यहीं पे भी यहीं पे व्रत टूटता है। दूध और करऊ, ये सब करऊ और गुलावा साग के साथ, दूध के साथ निगलना रहता है। तो देखिए यहाँ मेरी मम्मी जितिया मुझे पहनाई है, फिर मम्मी बाद में पहन लेगी, पहले बाल बच्चा पहनता है उसके बाद मम्मी। तो देखिए यहाँ खाना मैं मम्मी के लिए निकाल दी हूँ, मम्मी अब खाना खाएगी। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।